नमस्कार, स्वागत है आपका जेजे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर उच्च न्यायालय से मामला निस्तारित होने के बाद मंगलपड़ाव से ओके होटल तक 101 दुकान और भवन स्वामियों को 2 दिन के अंदर अतिक्रमण तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, लोक निर्माण विभाग और नगर निगम द्वारा जारी किए गए नोटिस में 23 अगस्त तक अपने भवनों को खुद तोड़ने को कहा गया है। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण करने का लेकर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण चिन्हित किया गया था। इसके बाद भवन स्वामी उच्च न्यायालय गए, जहां मामले के निस्तारित होने के बाद अब प्रशासन ने 2 दिन के अंदर सभी 101 दुकानों को नोटिस दे दिया है। अगर 23 तारीख तक सभी दुकानों और भवनों को नहीं खाली कर तोड़ा गया तो प्रशासन द्वारा बलपूर्वक भवनों को तोड़ा जाएगा। गौरतलब है कि हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर सड़क के बीच से दोनों तरफ 12 मीटर चिन्हीकरण कर तोड़ने की कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट में चला गया था। तो वहीं दुकान तोड़ने का नोटिस मिलने के बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आक्रोशित व्यापारी नगर निगम पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासन और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि न्यायालय ने दुकान तोड़ने का कोई भी आदेश जारी नहीं किया है और उनके पास उच्च न्यायालय में जाने का विकल्प अभी भी बाकी है, लेकिन प्रशासन अपनी मनमानी करते हुए तानाशाही कर 2 दिन के अंदर उनकी दुकानों को तोड़ना चाहता है, जिसे व्यापारी किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि व्यापारी बाजार बंद कर प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे, वो भी किसी हद तक जाने को तैयार है। देखिए, हल्द्वानी में सड़क दुर्घटना न्यूनीकरण और सड़क सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जो हमारी जिला सड़क सुरक्षा समिति है, उसके द्वारा सेफ्टी ऑडिट के बाद ये निर्णय लिया गया था कि विभिन्न चौराहों का चौड़ीकरण किया जाना है। इसी में मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज तक का भी चौड़ीकरण प्रस्तावित था। इसमें कुछ लिटिगेशन थे जो अब समाप्त हो चुके हैं। उसमें मध्य मार्ग से दोनों तरफ 12 मीटर इसको वाइड किया जाना है। उसके क्रम में लोक निर्माण विभाग द्वारा 23 अगस्त तक का समय सभी जितने भी वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको समय दिया गया कि वो स्वयं अपना इंक्रोचमेंट हटा लें, उसके बाद इसको बलपूर्वक विभाग द्वारा हटा दिया जाएगा। कितनी दुकानें, कितने भवन से लेकर टोटल? हाँ, इसमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में एक समिति बनी थी, जिसके सम्मुख 101 प्रकरण विचारार्थ रखे गए थे। समिति ने पक्षकारों को सुनने के बाद, उनके अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है। टोटल 101 नोटिस इश्यू किए गए थे। तो सर, शनिवार से बिल्कुल तोड़ने की कार्रवाई आरंभ हो जाएगी? हाँ, 23 तारीख का समय उनको दिया गया कि वो स्वयं अपना इंक्रोचमेंट हटा लें, उसके बाद संबंधित जो हमारा लोक निर्माण विभाग है उसके द्वारा बलपूर्वक इसे हटा दिया जाएगा। बहुत बड़ी वजह है, एक साल से हमारे व्यापारियों की नींदें हराम कर दी है, खाना हराम कर दिया है प्रशासन ने। NH के रोड पे सरासर पिलो ले रहे हैं, जबकि रोड NH है ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट रोड है। सब वकीलों ने बताया, सबने बता दिया कि डिस्ट्रिक्ट रोड है। PWD पे रोड डकरगांव के लिए दी गई थी, जो कि 2000 पर जाके मानक है, वो समाप्त हो गई। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनकी डिस्ट्रिक्ट रोड में ये शराब की दुकानें चल रही है, जबकि शराब की दुकानें NH पे अलाउ नहीं होती है। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाना चाह रहे हैं कि इनके बच्चे भूखे मरे, ये सड़कों पर आ जाए, चोरी करे, डाका डाले, गलत काम करे। अरे, प्रशासन का काम सुविधा मुहैया कराना होता है, बेरोजगार छीनना नहीं होता है। हजारों लोगों की बदुआएं लग रही है। नोटिस हमें अभी नहीं है, अभी इन्होंने मुनादी कराई है, साइकिल से पैसे डालने हमारे ऊपर ही है। आज जो नगर आयुक्त द्वारा मुनादी कराई जा रही है कि 12 मीटर दोनों ओर हटा दिया जाए, और उसने समय सिर्फ कल तक का दिया गया है। क्या अभी हाई कोर्ट का ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ था और नगर प्रशासन इतनी जल्दी चाह रहा है कि क्या नगर प्रशासन को भय लगता है कि क्या हम कि ये हम कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट से इतने रोक लग सकती है? जब नगर प्रशासन इतना भयभीत क्यों है? आज नगर प्रशासन हमें यह बताए कि जब तक कोर्ट में केस चल रहा था तब तक इन्होंने नहीं करा अपलोड। अब आज सबसे हमारा जो मांग सबसे ज़्यादा 12 मीटर की आप जो हटाने की मांग कर रहे हैं, ये जो व्यापारियों का मामला था जिसको जो है कोर्ट द्वारा जो है कल निर्णय दिया गया है, लेकिन उसकी कोई कॉपी जो है अभी उनके आदेशानुसार नहीं मिली है। तो आज मुनादी जो हुई है उसके विरोध में जो है आज व्यापारी जो है एकजुट हुए हैं, क्योंकि 101 दुकानदारों का मामला है जो रोजी रोजगार से जुड़ा है, जिसमें कई लोग जो है
50 से लेके 80 साल तक जो है दुकानदार जो है इसमें प्रभावित हो रहे हैं और उनका पूरा रोजी रोजगार का एकमात्र साधन वही दुकानें हैं। तो एकदम जो है एक दिन के अंदर अंदर जो है मुनादी हो रही है कि कल आप जो है अपनी दुकानें 23 तारीख को खाली कर दें, अन्यथा जो है प्रशासन अपनी कार्रवाई को अमल में लाएगा। जिसके विरोध में जो है आज वो प्रशासन के कई अधिकारियों से मिलने के लिए आए, लेकिन कोई भी मौके पर जो है अपने अधिकारियों के हिसाब से जो है वो मौजूद नहीं मिले। लेकिन ये है कि अब आगे के लिए जो है व्यापारियों की जो रणनीति होगी, क्योंकि ये जो है अगर कोर्ट के आदेश के अनुसार माने तो उसके हिसाब से जो है हार्ड कॉपी जो है इन व्यापारियों के समक्ष रखनी चाहिए और इनका वकील जो है वहाँ पे अपनी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कॉपी जो है मिले और अग्रिम कार्रवाई के लिए जो है ये इसके लिए जो है लड़ाई लड़े। देखिए, हमें कोर्ट से जो ऑर्डर आया है वो डिमोलिशन का ऑर्डर नहीं है और हम पे जो प्रशासन ने बोला है कि डिमोलिशन का ऑर्डर है और दो दिन अपनी दुकान खाली कर दो। हम सालों साल पुरानी 1957 में हमारी जो मकान बना था, इतने साल हमें मकान में रहते हुए हो गए, दुकान में अपने रहते हुए हो गए, हम इतनी जल्दी अपना कुछ खाली नहीं कर सकते हैं और ना कभी करेंगे। ये हल्द्वानी के अंदर जो व्यापारी को उजाड़ने की जो साजिश हो रही है, हम व्यापारियों के साथ हैं क्योंकि 100 साल पुराने दुकानदार हैं। हाईकोर्ट का एक बहाना लिया जा रहा है। हम शासन प्रशासन से इस बात में बात करेंगे और मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे, कोई अल्टरनेट व्यवस्था करो। शहर में कब तक लोगों को उजाड़ते रहोगे? एक बाईपास आप बनाइए, हम उसके साथ हैं, हम व्यापारियों के साथ हैं। इस बात को हम मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे। मेरे लिए तो बहुत ही शर्म की बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक नामित पार्षद हूँ और मुझे सड़क पर उतरना पड़ रहा है। बहुत ही मेरे लिए तो शर्मनाक बात है। हमारा पूरा परिवार भाजपा का परिवार है और आज सरकार हमसे कहती है कि आप अपनी दुकानें तोड़ दो। मेरी दुकान 80 साल पुरानी है। 80 साल मेरे पहले मेरे दादाजी मेरी दुकान पे बैठे, उसके बाद मेरे पिताजी पुनीतलाल ढिंगरे जी उस दुकान पे बैठे, फिर मैं बैठा और आज मेरा बेटा मेरी दुकान पर बैठा है और ये हमारी चौथी पीढ़ी इस दुकान पर काम कर रही है। और आज हमसे ये कहा जाता है कि हम अतिक्रमणकारी हैं। पहली बात तो ये अतिक्रमणकारी शब्द जो है इसको आप हटाएं अपनी फाइल से कि हम अतिक्रमणकारी कहाँ से हुए। हम नगर निगम के किराएदार हैं, किराएदारी देते हैं। आज भी हमने सन 2025 तक की एडवांस अपनी किराया जमा करके रखा हुआ है। हम अपनी जो दुकान पे बैठे हैं तो नगर निगम के द्वारा ही बैठे हुए हैं, हम अतिक्रमणकारी नहीं है। पहले तो आप अपने शब्द हटाए, आप मुनादी करा रहे हैं कि अतिक्रमण हटाओ, हम अतिक्रमण है ही नहीं तो हम अतिक्रमण कहाँ से हटाएं। तो एक खास खबर आपके लिए तैयार की थी हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी ने। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें जे जे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।